हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है, इफ़ यू मिक्स अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन विल अकर। देखिए, आपसे बोला गया है कि आपके पास एक लैटिस है जिसका नाम क्या है, जर्मेनियम का लैटिस है बेसिकली, और आपने इस जर्मेनियम के लैटिस में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो जर्मेनियम है ये एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। टेट्रावेलेंट एलिमेंट का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। हमें पता है कि जर्मेनियम जो है ना वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि कहे सीता जी सुनो प्रभु, इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड एंटीमनी। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एलिमेंट्स के। ठीक है, तो जर्मेनियम आपको गिवन है तो हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके शो कर दिया। अब देखिए हुआ क्या है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया है, तो जर्मेनियम हटाया भैया और किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को। तो पेंटावेलेंट का मतलब होता है 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में। ठीक है, मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन फैमिली से कोई भी एलिमेंट मैंने उठा के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया हाइपोथेटिकली। ठीक है, जनरली क्या होते हैं नाइट्रोजन के, मतलब जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट्स था जो कार्बन वाला था, 15 ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये पेंटावेलेंट हैं, इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए मैंने फॉस्फोरस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने जर्मेनियम हटाया और फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो मैंने ऐसे फिल कर दिया। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया, मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब देखिए जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी जाएगा, जब आप जर्मेनियम को हटाओगे उसकी जगह फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन आ गया है, कितनी जगह, 4 जगह, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि ये वाला है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब आप कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी सेमी कंडक्टर में, तो उसे हम एन टाइप सेमी कंडक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, अगर होल की वजह से होता, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्राइवेलेंट एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया होता, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे जर्मोनियम के पास और आपने ट्राइवेलेंट इंट्रोड्यूस किया है, तो ट्राइवेलेंट इंट्रोड्यूस करने से एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसे क्या बोलेंगे हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को डिवाइड किया गया है कि बिकॉज ऑफ क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, कॉज ऑफ कंडक्टिविटी क्या है उसके बेस पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज कंडक्टिविटी हो रही है किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जब आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस कराया है किसमें, जर्मेनियम के लैटिस में। ठीक है, थैंक यू।